आपका नाम क्या है? डाली पवार। हाँ, क्या कहना चाह रही हैं आप? इनके घर से भी, उनके बगल से मेरा मकान भी है, बाड़ा है। किसके? ये गेनू चमन के। राजू, राजू चमन के बगल से। हाँ। तो उधर से हम भी पानी भरने जाते हैं हेडपम्प पे। हाँ। तो उनकी भी तार फेंसिल हो गई, पूरी काकड़ लाइन बंद है वो तो। अच्छा। और वो मेरे को बोलते हैं तेरे काट के गुल्ला गुल्ला करके रेल की पटरी पे सुला देंगे। कौन बोलता है ये? वो सुभाष मेहता और वो शांतिलाल। हाँ। जस्सू। अच्छा, ये लोग बोले तुम्हारी बाप की जगह थोड़ी है, बोले यहाँ पे तीन बार तो उन्होंने पहले भी धमकी दे चुके हैं। तीन बार पहले भी धमकी दे चुके मेरे को, ये चौथी बार है। तो चौथी बार में अब हमसे मतलब रहा नहीं गया कि अब शिकायत करनी पड़ेगी, इनका इलाज करना है किसी करके। बोले काट काट के पूरे गुल्ला गुल्ला करके तुमको पटरी पे सुला दो। मेरा पति घर नहीं रहता, मेरे लड़के भी नहीं रहते, मेरी तीनों लड़की, मैं रहती हूँ घर पे। पूरे मोहल्ले को ही धमकाते हैं वो कि क्या कर लोगे, कहाँ तक भागोगे, कहाँ तक जाओगे, तुम आओगे हमारे ही पास वापस, ऐसे बोलते हैं कि सब खरीदा हुआ है हमारा, सरकारी जमीन को कब्जा करके वो सरकारी मतलब लोग अधिकारी हमारा सब हमारा ही है बोले। ये कौन से डिपार्टमेंट में है ये लोग? ये लोग ये सब नौकरी में है, ये नौकरी में कोई मतलब बैंक में है, बैंक में था पहले जसवंत पिता परसराम। हाँ। बैंक में था, वो रिटायर हो चुका है, घर पे ही अब कुछ काम धंधा नहीं है। हाँ। तो ऐसे ही फालतू चाले करते हैं लोग। सुभाष बाबू जी वो नौकरी करते हैं, उसके लड़का वो पाटलिया में, और जो वो धमकी बहुत देता है, मेहता पिता परसराम की जगह थोड़ी है। तो मेहता पिता परसराम है वो नगर पालिका छनेरा नया हरसूद में मतलब चपरासी की नौकरी पर है, लेकिन हमको धमकी देता है कि क्या कर लोगे तुम, मेरा सब मेरे ही लोग हैं, कोई किसी की सुनवाई नहीं करेगा। आप पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करता हूँ मैं। कौन सी क्लास में? मेरी कम्प्लीट हो गई, ग्रेजुएशन हो गई मेरी, BSc कंप्यूटर साइंस। तो गांव में अभी खेती बाड़ी ही कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, मैं बस गांव में आया था, बस भारी था, मैं इंदौर में था, लेकिन गांव में मैं मतलब आया तो विवाद ही चल रहा था इनका। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। आपका शुभ नाम? चमन पवार। हाँ चमन भाई, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? सर गेट बंद है हमारे सामने से, तार फेंसिंग लगा रखे हैं। तार फेंसिंग लगा दी है? हाँ, दोनों भाई के बेला पड़ रहे हैं, हमारे बच्चे सब पढ़े लिखे वाले, लेकिन वो चार दिन से जा ही नहीं रहे, नौकरी चाकरी वाले लोग हैं वो सब अधिकारी वगैरह। अच्छा, वो आपने आधिकारिक का ताकत का उपयोग कर रहे हैं? हाँ, भाई आप कहीं भी चले जाओ तो हमारा कुछ नहीं होगा ऐसा। हाँ भैया, हम ऐसे आए हैं। हाँ। कि हमारा रास्ता बंद कर दिया 12 तारीख को। हाँ। और रास्ते में कांटे वाटे लगा दिए, बच्चे स्कूल नहीं जा रहा, आज 4-5 रोज हो गए। कौन से ग्राम का मामला है ये? सेड़ापानी पुलिस आबादी। तो किन्ने रोक लिया आपका रास्ता? मेहताब, जस्सू, मोहन, काकड़ लाइन में कब्जा कर लिया है। तो क्या सरकारी भूमि है क्या? हाँ, सरकारी भूमि भी है और वहाँ साइड में उनकी है। अच्छा, सरकारी को भी उन्होंने बोल रहे हैं कि ये इधर कोई रास्ता नहीं है सरकारी। तो ये कब से आपको परेशानी आ रही है? 12 तारीख से। ये कितने सालों से आप इस रपटे से निकल रहे थे? वहाँ 50 साल से रह रहा हूँ और 25 साल से वहाँ से निकल रहा हूँ, बोया था काकड़ लाइन। हाँ, काकड़ लाइन है वहाँ से अपने घर के पास से। तो आपने पटवारी से शिकायत नहीं करी? पटवारी से शिकायत करी, पटवारी आए थे, पटवारी जी ने सही नफ्ती नहीं करी, मेरे तरफ 8 फीट जगह निकाल दिया उनके तरफ। हाँ। और आगे और फिर बीच में गोया गायब हो गया ऐसा। हाँ, बोले फिर इधर आगे नहीं है काकड़ लाइन। तो इस रास्ते से क्या क्या निकलता था, आपके साधन क्या निकलते थे? साधन का सभी लोग निकलते हैं, पानी वाले लोग भी हैं। बोलूँ जरा, पानी वाले, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, सब बड़ी गाड़ी सब निकलती। तो ये सड़क की ही समस्या है बस। हाँ, 50 साल से निकलते थे। ये जो रास्ता था मतलब ग्रामीण पुराना रास्ता है क्या? हाँ, गल्ला, ये रास्ता बंद होने से कितने को समस्या जाएगी, कितने परिवार इससे मतलब? कम से कम 25-30 घर। अच्छा, तो ये 30 घर को दूसरा रास्ता है कि नहीं है अभी? नहीं है भाई, एकमात्र यही रास्ता है, रास्ता घूम के जा रहा है। अच्छा अच्छा, कौन है बंद करने वाले, उनका पूरा पूरा नाम बताओ। उनका नाम है जसवंत पिता परसराम। आगे चार जने बताते हैं? मेहता पिता परशुराम और मोहन पिता परशुराम। अच्छा, अनार पिता परशुराम, इन चारों भाइयों और उनके रिश्तेदारों को लाइन में बसा रहे हैं वो लाके। जिला कलेक्टर साहब से क्या आप आशा लेके आए हैं? हमारे को वहाँ से रोड निकले, रोड का निराकरण हो।